राष्ट्रीय युवक परिषद के 55 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह एवं कविता पाठ का आयोजन राजधानी भोपाल के रंजीत होटल में रखा गया। राष्ट्रीय युवक परिषद के समारोह में राष्ट्रीय कवि हरि विट्ठल धूमकेतु एवं पत्रकार शेफाली गुप्ता ने अपनी कविता का पाठ किया। श्रोताओं ने कविताओं का आनंद लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। दखल न्यूज की संपादक शेफाली गुप्ता ने नारी पर समर्पित कविता सुनाई। वहीं राष्ट्रीय कवि हरि विट्ठल धूमकेतु ने होली के मद्देनजर हास्य व्यंग की कविताओं का पाठ किया और लोगों को उठा के लगाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में एमपीवी के जीएम जाहिद खान, हमीदिया हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन अमित जैन, एम्स हॉस्पिटल भोपाल के डॉक्टर अंशुल राय की मंच पर गरिमामय उपस्थिति रही। नरेंद्र माथुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की एवं परिषद के उपस्थित सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। युवक परिषद हर साल इस तरह के जलसों का आयोजन करता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग आते हैं और होली उत्सव मनाते हैं। इस बार दखल की संपादक शेफाली गुप्ता और कवि धूमकेतु ने इस कार्यक्रम में समा बांध दिया। परिषद में उपस्थित सभी साथियों, सर्वप्रथम तो जैसे विजय भाई ने बोल दिया वो शब्द मेरे चुरा लिए कहना चाहिए। मैं कहना चाह रहा था कि हमने होली, रंगपंचमी, गुड फ्राइडे, ईस्टर है ना, उसके बाद में अभी हमारी थोड़ी पाड़वा, चेती चांद, फिर ईद उल फितर। एक्चुअली क्या मार्च अप्रैल का महीना हमेशा याद रहता है, उसकी वजह है अप्रैल को खूब से त्यौहार आते हैं, खाने को मिलता है और सरकारी आदमी हो छुट्टी मिल जाती है बहुत सारी, तो मैं कहीं भूलता ही अप्रैल का महीना, हम लोग वेट करते हैं तो अप्रैल कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आप सबको सभी त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा शुक्रिया, आपका परिवार सुखमय रहे, शुभकामना करता हूँ और ईद की मिठाई खाइए, होली के रंग में रंगिए। राष्ट्रीय युवक परिषद भोपाल की बहुत पुरानी संस्था है और इसके द्वारा समय समय पर राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कार्यक्रम रखे जाते रहे हैं। मैं इससे बहुत पहले से जुड़ा हूं और निसंदेह रूप से राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष बहुत जुझारू है, कर्मठ है और एक तरह से उन्होंने इस संस्था को पूरे देश भर में फैलाया। हम इस संस्था से एज ए कवि के रूप में बराबर जुड़े हैं और राष्ट्रीय से तो ओतप्रोत कविताएं ही करते हैं। आज यद्यपि हमने वैसी कविता नहीं की, हास्य की, लेकिन वरना ये संस्था इसी प्रकार की है। राष्ट्रीय युवक परिषद जो कि बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जन सेवा में लगा हुआ है, मैं इस संस्था को आगामी जो भी इनके कार्य हैं उनमें संपूर्ण सहयोग और हम उनके साथ मेरी हमेशा जो भी सपोर्ट हो सकता है वो रहेगा और उनको मैं भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस होली मिलन कार्यक्रम में इनवाइट किया था, काफ़ी नए लोगों से परिचय हुआ और जो राष्ट्रीय युवा परिषद इतने सालों से ये संस्थान बिना किसी डोनेशन के चला रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत हर्ष लगा। यहाँ पे शेफाली दीदी, अनुराग भैया, धूमकेतु जी और कई लोगों से मेरी जान पहचान हुई और मुझे ये समझ में आया कि युवाओं के लिए और देश को जोड़ने के लिए जो राष्ट्रीय युवा परिषद जो काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये सुन के और भी अच्छा लगा कि बिना किसी डोनेशन के और बिना किसी चीज़ से ये जो काम कर रहा है। मैं अपने एम्स भोपाल परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं आप सब लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि एम्स हॉस्पिटल में जब भी कभी आपका होना हो तो आप लोग जरूर आइए। कि 23 जनवरी 70 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर संपूर्ण भारत का एक परिवार बनाने के लिए वासुदेव कुटुंबकम की भावना से राष्ट्रीय परिषद को हमने जन्म दिया था। वर्तमान समय में ये 55 वर्ष पूरा कर चुके, किसी से कोई ग्रांट नहीं लेती, किसी सभी राजनीतिक दलों से बहुत दूरी बनाई, केवल धार्मिक, आध्यात्मिक, वैचारिक अभियान इस सशक्त चल रहा है। आज ये कार्यक्रम यहाँ होटल रंजी के सभागार में होली रंगपंचमी जो भारत का गौरवशाली त्योहार बनता है उसके आत्मीय मिलन का कार्यक्रम हमने आयोजित करा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।